अस्सलामु अलैकुम व व रहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वर्कू व नहमदन अला रसूल करीम अम्मा बाद मेरे इज्जत वाले और ईमान वाले भाइयों अल्लाह ने मेरी हम सब की और दुनिया में बसने वाले इंसानों की और क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी अपने मुबारक दीन में रखी है जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाब करेंगे और मरने के बाद आखरत में भी कामयाब करेंगे और जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं होगा अल्लाह उसे दुनिया में भी नाकाम करेंगे और मरने के बाद आखरत में भी नाकाम करेंगे तो इंसान की ज़िंदगी का दार दीन के ऊपर है अगर दीन ज़िंदगी में नहीं है तो कुछ भी नहीं है और अगर दीन ज़िंदगी में है तो फिर सब कुछ है अल्लाह उसकी ये दुनिया भी बनाएंगे और अल्लाह उसकी वो दुनिया भी बनाएंगे आज हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का दारोमदार मदार सामान दुकान इसबाब प्रॉपर्टी जायदादें और मेरे खेत मेरे खलियान, इन सारी चीज़ों को अपनी कामयाबी का दारोमदार बना रखा है हालांकि मेरे प्यारे भाइयों ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी कुछ ज़रूरतें हैं जो हमारी मौत के बाद ख़त्म हो जाएंगी फिर क़बर का मसला बड़ा सख्त है और हशर का मसला भी बड़ा सख्त है और अगर दीन के ऊपर ज़िंदगी गुजार कर गया है दीन के ऊपर चल कर गया है अल्लाह के हकमों पर चल कर गया है और नई पाक सल्लल्लाहु अलैहि वम के नूरानी और पाकिज़ा तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार कर गया है तो अल्ला रब्ज़त सबसे पहले तो उसकी ये दुनिया भी बनाएंगे और मरने के बाद क़बर की मंजिलें उसके लिए आसान हैं हश्र की मंजिलें उसके लिए आसान हैं गोया के जन्नत तक पहुंचने का रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसान फरमा देते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों ये दिन जो है हमारे पास ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी अमानत है तो इसमें हम खयानत बिल्कुल भी ना करें और जिसके पास अमानत रखवाई जाती है उसके बारे में उससे सवाल जवाब होते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि इस दीन का हक अदा हो जाए आज जो मैं आप हजरात के सामने बात करने वाला हूँ वो इस टॉपिक पर बात करूँगा कि मस्जिद के अंदर गश्त के लिए साथी को कैसे जोड़ें क्योंकि मैं बहुत से भाइयों के कमेंट पढ़ रहा था उन्होंने लिखा कि जिस दिन हमारी मस्जिद का गश्त होता है साथी नहीं जुड़ पाते कभी कभी दो साथी भी रह जाते हैं तीन साथी भी रह जाते हैं कभी कभी मैं खुद अकेला भी रह जाता हूँ तो गश्त कैसे करें और साथियों को कैसे जोड़ें देखिए सबसे पहले तो आप हजरात ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम अल्लाह के इस मुबारक काम को दूसरों के ऊपर टाल देते हैं कि ये ये करेंगे ये इनका काम है हालांकि काम हम सब का है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी वजह से इस उम्मत की तारीफ भी फरमाई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो तुम लोगों की नफ़र रसानी के लिए निकाले गए हो तुम अच्छाइयों का हुक्म करते हो बुराइयों से रोकते हो और एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो इसी वजह से इस उम्मत की तारीफ भी की गई है तो काम हम सब का है और सबसे पहले इस बात को अपने जहन में रखना है कि कोई करे या ना करे मुझे तो हिम्मत के साथ अज़म और इरादे के साथ इस काम को करना है ये इतना मुबारक काम है मेरे प्यारे भाइयों आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए दाऊद दाऊदलात वसलाम ने एक मरतबा अल्लाह से पूछा कि अल्लाह तेरा सबसे महबूब बंदा कौन है तो अल्लाह रबालत ने इरशाद फरमाया कि दाऊद मेरा सबसे महबूब बंदा वो है कि जो मेरे बंदों को मुझसे जोड़े तो आप अजमत का अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुबारक और कितना अजीम काम है और फिर आप ये सोचें कि जिस काम के लिए अल्लाह रब्लत ने एक लाख चौबीस हजार अम्ब कराम को चुना और इसी काम के मकसद के लिए भेजा और हर नबी की मेहनत का मकसद यही होता था कि किस तरह से अल्लाह के बंदों का ताल्लुक गैर अल्लाह से कट के एक अल्लाह की जात के ऊपर आ जाए हर नबी की मेहनत का मकसद यही होता था यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहु ए लोगों कलमा पर लोग कामयाब हो जाओगे और इसी काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सवालाख सहाबाए کرام کو بھی چنا اپ دیکھ سکتے ہیں हजतुलविदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया तो सहाब इक़राम दुनिया के कोने कोने में फैल गए और दुनिया के कोने कोने में अल्लाह के इस मुबारक दिन को पहुँचाया अपनी जान दे करके, कुर्बानी दे करके बीवी बच्चों को यतीम और बेवा बना करके कुछ नहीं सोचा बस अल्लाह का मुबारक दीन और अल्लाह का कलमा कैसे बुलंद हो जाए और उसके लिए अपने घर बार को और सारी चीज़ों को छोड़ करके के निकल गए दस हज़ार कबरें साहब इक्राम की सऊदी अरबिया के अंदर मिलती है इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी पच्चीस कब्रें हैं साहब इक्राम की और पिछहत्तर कब्रें अफ़ग़ानिस्तान के अंदर है और पांच कब्रें पाकिस्तान पंजगोर बस्ती है उसके अंदर पांच कब्रें साहब इक्राम की है और आठ कब्रें जो हैं सहबा इक्राम की चाइना के अंदर है तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि साहब इकराम अल्लाह के इस कलमे को लेकर के और अल्लाह के इस मुबारक दीन को लेकर के दुनिया के किस किस कोने के अंदर गए हैं ताकि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए एलाय कली मतुल्ला के लिए सारी चीजों को छोड़ करके निकले हैं तो सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये होनी चाहिए कि कोई करे या ना करे कोई जुड़े या ना जुड़े मुझे जुड़ना है और मुझे करना है और उसके लिए ये सारे उमूर तय कर लिए जाए मसलन पीर के दिन हमारी मस्जिद का गश्त होता है और आज पीर का दिन है और ईशा में हमारा मशवरा होता है तो इतवार की ईशा में मशवरे के अंदर अपना मशवरा करने के बाद ये सारे उमूर तय कर लिए जाए गश्त के कि भाई ऐलान कौन साहब करेंगे और गश्त की बात कौन साहब करेंगे अमूमी बात कौन करेंगे और तश्किल कौन करेंगे ये सारे उमूर तय कर लिए जाए सारे उमूर तय होने के बाद अगर गश्त में साथी जुड़ते हैं तो ठीक है और अगर नहीं जुड़ते हैं तो फिर आप उसकी यह तरतीब बनाओ कि गश्त करने से आधा पौन घंटा पहले एक गश्त और करो यानी गश्त के लिए भी गश्त करो और यह तरतीब हमने जिले के मशवरे में सुनी है कि अगर साथी नहीं जुड़ पाते हैं तो उनके ऊपर पहले मेहनत की जाए गश्त करने से आधा पौन घंटा पहले उन साथियों को जोड़ा जाए गश्त के दौरान सारे साथियों को जोड़ा जाए कि चलो भाई आज हमारी मस्जिद का गश्त है चलो भाई आज हमारी मस्जिद का गश्त है और थोड़े से फजाइल सुना दिए जाएं कि भाई जिस बस्ती के अंदर गश्त होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाली वबाओं को बलाओं को बीमारियों को मुसीबतों को हादसों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको ख़त्म फरमा देते हैं और जिस बस्ती में गश्त नहीं होता तो अल्लाह इज़्ज़त उस बस्ती को छोड़ देते हैं और जो सालों में आने वाली वबाएँ होती हैं बीमारी होती है मुसीबतें होती हैं फिर वो मिनटों से में उतरती है तो सारे साथियों को ये फ़जाइल सुनाए जाए और बताया जाए कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया के अंदर क्यों भेजा है हमारे दुनिया में आने का मकसद क्यों है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िम्मेदार बनाकर भेजा है और हर ज़िम्मेदार से उसकी ज़िम्मेदारी के बकदर सवाल होगा कि तुमने मेरे दीन का क्या हक़ अदा किया तो अल्लाह की दीन हमारे पास जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी अमानत है और इसके बारे में हमसे पूछ होगी कि मेरे दीन का कितना हक अदा किया तो गश्त से पहले गश्त करके गश्त करने वाले साथियों को जोड़ लिया जाए और तमाम साथी मस्जिद में इकट्ठे हो जाए और अब तो ये तरतीब बताई जा रही है कि गश्त से पहले गश्त करके सारे साथियों को जोड़ा जाए और हाथों हाथ गश्त के उमूर भी तय किए जाए कि ऐलान कौन साहब करें और फजाइल गश्त कौन साहब करें अमूमी मगरिब की बात कौन करें और तश्कील कौन साहब करें और उसके बाद असर की नमाज के बाद या जिस नमाज के बाद हमारी मस्जिद का गश्त होता है एक भाई ऐलान कर देंगे और अपना गश्त कर लेंगे मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अल्लाह इज़्ज़त मौत तक हमें अपने काम में लगाए रखे और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए फ़क़त वस्सलाम